देखिए सवाल में कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सेफ्रॉन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019, 31 मार्च 2019। सेल्स दी हुई है, सीएम दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है। सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन से आप लास्ट ईयर का यानी 2019 का जो कि साल गुजर चुका है आप पीएनएल बना सकते हैं उसका। ठीक है जी, मैं 2019 का पीएनएल बना रहा हूँ, दो सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे बताएं मेरे पास सेल्स कितनी आ रही है, 160। सर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटाऊंगा तो सीएम बचेगा, सीएम परसेंटेज कितना है, 30%। तो अगर ये 30% है तो ये 70% रहा होगा, अगर ये 48 है तो ये 112 होगा, ऐसा। फिर मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट जो कि सवाल में नहीं दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें। सर हम सबको एक बात पता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बराबर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल जो ब्रेक इवन से आगे हुई है उसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारा प्रॉफिट है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सवाल में दी हुई है कितनी, 20%, 25%, सॉरी 25 और 30। बताओ हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25% ऑफ सेल्स, सीएम रेशियो है 30% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितना, 7.5% ऑफ। तो जरा 7.5% ऑफ सेल्स निकालो कितना निकलता, 12। तो इसका मतलब है हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 36 थी। डन, पक्का, ये हमारे लास्ट ईयर का हिसाब किताब है, क्लियर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं किस पे, नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर में हमने दो काम करने, 2020 में हमने दो काम करने, दो। वो कह रहा जनाब द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5% एंड लॉन्चिंग अ कैंपेन कॉस्टिंग 5 मिलियन। अगले साल हमारी फिक्स कॉस्ट में 5 मिलियन का इंक्रीज आएगा। डन, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। अगले साल 10% वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी, इसलिए कि हमने कोई कॉस्ट मेजर्स लिए हैं, मे बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इन्फ्लेशन 8% होगा ऑन ऑल कॉस्ट, सेल्स प्राइस पे नहीं, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। एट प्रेजेंट 40% ऑफ टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है सर, मेरे पास कितना अमाउंट है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 36। वो कह रहा है इसके दो हिस्से, 40% डेप्रिसिएशन है, बाकी 60% हमारी नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है, कैश बेस्ड। ये तो अनचेंज रहेगी, कितनी, 15.4। ये कितना आएगा, 20। ये 8% से इन्फ्लेट हो जाएगा, खाली कितना, 23.328, ऐसा। और हमारे पास एक और फिक्स कॉस्ट आएगी, वो क्या है, मार्केटिंग कैंपेन कितने की, तो 1, 2 और 3 इन सब को ऐड अप करो, 42.728। पक्का, ये आ गई हमारी नेक्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट। फिर सर नेक्स्ट ईयर, सर मेरे पास जो लास्ट ईयर था 2019 और 2020, सर लास्ट ईयर अज्यूम करते हैं मेरी अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% रही होगी, तभी तो 30% का सीएम आया होगा। इस साल वो कह रहा है 5% सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% गिरेगी लेकिन 8% इन्फ्लेट भी होगी। 10% गिरेगी क्योंकि सवाल में लिख के दिया उसने कि 10% गिरेगी है, फिर 8% इन्फ्लेट भी होगी, 68 पॉइंट। सीएम कितना आएगा, 26.96। अब बताओ सीएम परसेंटेज, लास्ट ईयर तो 30 थी, अभी 27।
तीन सात जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल यही चाहे। अब बताओ सर, हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब बताओ मैं नेक्स्ट ईयर की सेल्स निकालने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी सर? सर देखिए, नेक्स्ट ईयर की सेल्स ऐसी आएगी कि मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो कितने का है, 42.728। मैं कह रहा हूँ ये भी हमने अगले साल रिकवर करना है अपने सीएम से। और सर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना जी? सर मेरे पास लास्ट ईयर सीएम परसेंटेज है इस साल की 28.38% और टारगेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? तो बताओ हमारा अगले साल का सही कह रहा है लड़का? डिवाइडेड बाय 28 पॉइंट, मुझे बताओ ऑफ सेल्स बताओ सेल्स कितनी है? 200.75 ये आ गए हमारे सेल्स, डन। अब जब ये सेल्स आ गई तो प्यारे बच्चों आप एक पीएनएल बना सकते हो 2020 का, आप 2020 का एक पीएनएल बना सकते हो। सेल्स कितनी? 200.75। वेरिएबल कॉस्ट और सीएम, अच्छा सीएम परसेंटेज हमें पता है कितनी है, 28.38 मल्टीप्लाई करो 56.97। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 143 पॉइंट, पक्का? अब बताओ ये फिक्स कॉस्ट भी आपको पड़ी हुई आपके पास कितनी? 42.728 प्रॉफिट 14 पॉइंट, यही चाहे। अब बताओ उससे कहा मुझे वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज भी बताओ। अच्छा लास्ट ईयर सर मेरे पास जो सेल्स थी वो थी कितनी? 160। सर वो 95% हो गई प्राइस कम करने की वजह से, मल्टीप्लाई बाय 1+X% मिला जुला और हिला के ये चली गई 2.7। अब बताओ क्या आ रही है? ये है मेरे पास ऐसा, पक्का जी? इसको मैं छोटा कर रहा हूं, आप लोग इसको पहले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा,